दोस्तों नमस्कार। आप जानते होंगे इस फूल का नाम क्या है, आपने देखा भी होगा ये फूल पहाड़ों में। तो जिन जिन लोगों को इस फूल के बारे में पता है वो ज़रूर बताएं मुझे। और बचपन में हम फूलों का बनाया करते थे, आपको पता ही होगा। तो इस फूल का नाम कौन कौन जानते हैं ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ट्यूसडे, मंगलवार है और मॉर्निंग का समय है और ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपके मनोरंजन के लिए डेली मैं ब्लॉग देता हूँ और जब तक ब्लॉग नहीं बनाता मुझे अजीब लगता है, तब तक वीडियो नहीं डालता हूँ। हालांकि मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ, ये मेरा नियम है। जब तक नहीं करता हूँ अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि अब डेली की मुझे आदत हो चुकी है। तो देख रहे हैं, मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चलूँगा, फिर भवाली पहुँचूँगा, फिर अपने काम में, और उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉग आपको दे पाऊँगा। तो कल का मेरा टॉपिक था कि पैदल चलना हमारे लाभदायक है, अवश्य लाभदायक है, और अभी भी मैं पैदल चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और आपके मनोरंजन के लिए और आपके ज्ञान के लिए मैं कुछ नया आपको दिखाऊंगा आज। तो आप बने रहें मेरे ब्लॉग पर, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबाएं, तो बने रहें इस ब्लॉग पर। और दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं कि आड़ू का पेड़ है, पुलम का पेड़ है, और यहाँ का मौसम देख रहे हैं अभी एकदम गर्म हो रहा है। अभी सुबह थोड़ा ठंडा था, अभी थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। पहाड़ों का मौसम ऐसा ही है, कभी एकदम ठंडा, कभी एकदम गर्म, कभी बरसात। और दोस्तों देख रहे हैं पहाड़ों में ज़्यादा कूरी होती है, मैंने एक कूरी का कलका भी दिखाया था कि कूरी काटी भी है, देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कूरी हो जाती है, रास्तों में चलने में दिक्कत होती है। इसमें होता है इसका फूल अच्छा है, परंतु ये कूरी जो है फैल जाती है, बहुत ज़्यादा होती है ये। जहाँ कूरी होती है उन इलाकों में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमारे इलाके में थोड़ा गर्मी ज़्यादा। और दोस्तों देख रहे हैं गाँव है, हमारे गाँव में ऐसे ही बाइकें ऐसे लगाई करते हैं रोड के बगल में, ये ऊँची चोटी देख रहे हैं हल्द्वानी वाली एरिया, ऐसे बाइक लोग खड़े कर देते हैं रोड में, घर तक गाड़ी जाती नहीं है, रोड है नहीं। तो फिर ऐसे नीचे गांव है, तो देख रहे हैं सुनसान जगह है एकदम, और वातावरण शुद्ध है, यहाँ का ठंडी हवाएं हैं, गर्मी में हरियाली है, सामने हल्द्वानी की एरिया है। तो इस एरिया में एक दिन हमने बाघ देखा, यहाँ से आ रहा था इस रोड से, छोटा सा गाँव है तिरछा के, आप देख रहे हैं। तो बाघ यहाँ पर आते रहता है शाम को भी, कभी दिन में भी आ जाता है, परंतु ऐसा कोई नुकसान यहाँ पर नहीं किया है बाघ ने अभी तक। ये देखने में हरा हरा पेड़, अखरोट का पेड़ है, अखरोट हुए भी हैं इसमें, आप देख रहे हैं छोटे छोटे अखरोट के दाने हुए अभी हरे। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया आपके मनोरंजन के लिए, कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।